Hello, students, welcome to our channel Learning Notebook. In today's video, we are going to do a test paper of maths for class 7. This test paper is of 50 marks. So, let's start. तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि हम कौन कौन से चैप्टर्स इस टेस्ट पेपर में आज कवर कर रहे हैं फर्स्ट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज सेकेंड इज रैशनल ज्योमेट्री पेरीमीटर एंड एरिया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स सो ये सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आपको आज इस टेस्ट पेपर में सॉल्व करने हैं सो so, इस तरीके से आप इन सभी चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हैं सो लेट सी द फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटी से है इसमें तीन पार्ट्स हैं और ये क्वेश्चन है थ्री मार्क्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे नोट करने का है दैट क्वांटिटीज शुड बी सेम टू फाइंड द रेशियो

फ्रैक्शन गिवन है इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है सेकेंड पार्ट में डेसिमल नंबर गिवन है इसे भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और थर्ड और फोर्थ पार्ट में रेशोज गिवन है इन्हें भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है क्वेश्चन थ्री इज इन एन इलेक्शन देयर आर टू कैंडिडेट्स ए एंड बी द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इज सिक्सटी थाउजेंट एंड एटी परसेंट ऑफ द टोटल वोट्स वर पोल्ड इफ सिक्स परसेंट ऑफ द पोल्ड वोट्स वर कास्टेड इन फेवर ऑफ ए हाउ मेनी वोट्स वर होल्ड इन फेवर ऑफ बी ये क्वेश्चन थ्री मार्क्स का है स्टूडेंट्स आइए इसे मैं आपको एक बारी एक्सप्लेन कर देती हूँ एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं ए एंड बी वोटर्स हैं जिन्होंने वोट कास्ट करना है वो है सिक्सटी थाउजेंड पर उसमें से सिर्फ एट्टी परसेंट ही लोगों ने वोट्स कास्ट करे हैं अब हमें और इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि अगर जितने भी टोटल वोट्स कास्ट हुए हैं उसमें से सिक्सटी परसेंट ऑफ द दे वर कास्टेड इन फेवर ऑफ ए तो कितने वोड्स बी को मिले ये क्वेश्चन है इसे सॉल्व करिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर राजीव बॉट ट्वेंटी ग्लासेस फॉर रूपीज सिक्सटी ईच ही सोल्ड सेवन ऑफ देम एट रूपीज सिक्सटी फाइव इच फाइव ग्लासेस ब्रोक एंड द रेस्ट सोल रुपीज सेवेंटी इच सो फाइंड द गेन और द लॉस परसेंटेज तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें बताया है कि ट्वेंटी ग्लासेस बाय करे हैं रुपीज सिक्सटी ईच पर फिर उन्हें जब सेल किया तो सेवन ग्लासेस को सेल किया रुपीज सिक्सटी फाइव इंच पर फिर फाइव ग्लासेस टूट गए और जितने ग्लासेस बचे उन्हें सेल किया रूपीज सेवेंटी ईच पर क्वेश्चन में हमें बताना है कि राजीव को गेन हुआ या लॉस हुआ और फिर उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है दिस क्वेश्चन इज ऑफ थ्री मार्क्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सम ऑफ मनी लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट amounts to rupees 2880 in 2 years and it amounts to rupees 3600 in 5 years so find the sum of money and the rate of interest so students let's understand this question kuch paise simple interest per lend kiye the तो टू इयर्स के बाद सिंपल इंटरेस्ट ऐड करके वो पैसे बनते हैं टू थाउजेंड एट हंड्रेड एट्टी रुपीज और फाइव इयर्स के बाद वो पैसे बन जाते हैं थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड रुपीज सो वी हैव टू फाइंड सम ऑफ मनी दैट मीन्स प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट दिस क्वेश्चन इज ऑफ थ्री मार्क्स Now next question is write five rational numbers between so students yeah question chapter rational numbers hai. Aur two parts, hai. and we have to write five rational numbers between the given rational numbers. This question is of four marks now question number seven is find or we can say solve the following so here we have got four parts in this question and we have to add subtract multiply and divide this question is again of four marks now let's move to next question question number eight using property of alternate angles being equal ड्रॉ टू पैर लाइन्स एट अ डिस्टेंस ऑफ सिक्स सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन चैप्टर प्रैक्टिकल जोमेट्री में से है और यह थ्री मार्क्स का है तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स यूज करके वी हैव टू ड्रॉ टू पैल लाइन्स और डिस्टेंस होगा उनका सिक्स सेंटीमीटर Students, we would like to tell you that we have made videos on every chapter from class 1 to class 10 mathematics. We also have interesting maths quizzes, worksheets, working models, activities, and projects on each chapter. So, I would suggest you to check out our channel Learning Notebook. Now, question number 9 is. कंस्ट्रक्ट एन एस एस एल एस राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर वेयर एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू नाइंटी डिग्री एंड पी आर इक्वल्स टू फाइव पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर प्रैक्टिकल जोमेट्री और यहां पर हमें ये कंस्ट्रक्ट करना है एक एस एस एल एस राइट एंगल ट्राइंगल हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि एंगल कहाँ पे राइट एंगल्ड है पी क्यू आर पे और पी आर की लेंथ गिवन है सो यू हैव टू ड्रॉ अकॉर्डिंगली दिस क्वेश्चन इज ऑफ थ्री मार्क्स लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर टेन अ वॉल इज टू बी पेंटेड द डायमेंशन ऑफ द वॉल इज ट्वेल्व मीटर्स बाय फिफ्टीन मीटर्स एंड देयर इज अ विंडो विद डायमेंशंस थ्री मीटर बाय फोर मीटर ऑन इट. फाइंड द एरिया ऑफ द वॉल टू बी पेंटेड फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट एट द रेट ऑफ़ पर स्क्वायर मीटर्स. स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया में से है आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं एक वॉल पेंट करनी है उसकी डायमेंशन गिवन है 12 मीटर बाय 15 मीटर्स तो ये रेक्टेंगुलर वॉल है और इस वॉल पर एक विंडो है वो भी रेक्टेंगुलर है उसकी भी डायमेंशन गिवन है नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द वॉल टू बी पेंटेड यानी जो एरिया है वॉल का जिसको पेंट करना है वो फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करेंगे फर्स्ट वी विल फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द वॉल एंड देन वी विल सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ द विंडो फ्रॉम इट to get the area of the wall to be painted next we have to find the cost of painting this wall jo ki rate given hai rupees 45 per square meters so solve this question accordingly also students ek baat main aapko batana chahungi कि हमने class 7 के सभी chapters पे separate videos अपने channel learning notebook पर डाली हुई हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई कंफ्यूजन है तो हमारी वीडियोस को रेफर जरूर करें नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू सर्कल्स हैव अ कॉमन सेंटर एंड डिफरेंट रेडिया द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल इज 20 मीटर्स एंड रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज 10 मीटर्स फाइंड द एरिया ऑफ पोर्शन बिटवीन द सर्कल्स एंड टेक द वैल्यू ऑफ पाई एस थ्री पॉइंट वन फोर सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें दो सर्कल्स गिवन है जो कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं क्योंकि उनका सेंटर कॉमन है उनका रेडियस गिवन है एक का रेडियस है ट्वेंटी मीटर्स और स्मॉल सर्कल का रेडियस है टेन मीटर्स और हमें क्या फाइंड करना है एरिया फाइंड करना है ऑफ द पोर्शन बिटवीन दीज टू सर्कल्स तो कैसे सॉल्व करेंगे आप इस क्वेश्चन को आप दोनों सर्कल्स के एरिया फाइंड करेंगे और उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे दिस क्वेश्चन इज ऑफ थ्री मार्क्स क्वेश्चन ट्वेल्व इज क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू मोनोमियल्स बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स सो स्टूडेंट्स इसमें हमें फोर पार्ट्स गिवन हैं और हमें उन्हें क्लासिफाई करना है दिस क्वेश्चन इज अ फोर मार्क्स एंड इट इज फ्रॉम चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द फॉलोइंग सो स्टूडेंट्स दिस क्वेश्चन हैज गॉट टू पार्ट्स एंड इट इज फ्रॉम एडिशन एंड सब्टन ऑफ चैप्टर एलजेब्रिक एक्सप्रेशन

मार्क्स का। सो दिस इज द एंड ऑफ आर टेस्ट पेपर इस टेस्ट पेपर को सॉल्व करिए और अपने आंसर्स मैच करिए हमारे आंसर्स से जो गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और प्रिंट कमेंट में भी सो स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो शेयर माय चैनल एंड माय वीडियोस विद बाय सी इन द नेक्स्ट वीडियो